नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बड़वा रेत माफियों द्वारा अवैध रेत का ढल्ले से उत्खनन कर नर्मदा के आंचल को छलनी करने का कार्य बेखौफ होकर जारी है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल की सख्त तागिद के बावजूद नर्मदा के तटों पर जेसीबी मशीनों से रेत का उत्खनन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर एसडीएम अनुकूल जैन अपनी टीम के साथ शुक्रवार देर रात्रि को ही नर्मदा तट पर रावेरखेड़ी पहुंच गए, छापेमारी की और अवैध रेत खनन में लगी जेसीबी मशीन को जब्त किया। इसके साथ ही रेत के अवैध भंडारण को भी जब्त किया। इस दौरान तहसीलदार सुखदेव डाबर, कृष्णा पटेल सहित पेड़िया पुलिस दल मौजूद था। उल्लेखनीय है कि प्रशासन की सख्ती के बाद भी रात के अंधेरे में जेसीबी द्वारा रेत उत्खनन जारी है। पुलिस दल और वाहन को देख उत्खनन में लिप्त लोग अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन पुलिस दल ने एक जेसीबी को जब्त किया। इसके बाद जिन स्थानों से रेत निकाली गई उन स्थानों की भी नपती कर जब्ती की कार्रवाई खनिज अधिकारी द्वारा की गई। उत्खनन में कार्रवाई की गई, क्या है पूरा मामला? देखिए, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय व आदरणीय कलेक्टर महोदय से प्राप्त निर्देश जो प्राप्त हुए हैं उसके क्रम में लगातार हम अनुभाग में एक मुहिम छेड़े में है कि जो भी अवैध उत्खनन करता है या अवैध रेत का परिवहन करता है उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विगत समय पहले जो है यहाँ पर विशेषकर रावेरखेड़ी में एक बड़ा अस्थायी बांध पुल बना रखा था जिससे कि बीच नदी के टापू में जाते थे और रेत का उत्खनन करके लोग लाते थे और परिवहन करते थे, उसे हमारे द्वारा तोड़ा गया। और अभी इस माह की यदि हम बात करें तो लगभग 4 डंपर और इतने ही लगभग ट्रैक्टरों पर हमने अवैध परिवहन रेत परिवहन की कार्रवाई करी। और जो कल रात्रि में जो सूचना मिली थी कि रावेरखेड़ी में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है और यहाँ से जो है रेत को एक जगह पर स्टॉक करके परिवहन किया जाना था, जैसे सूचना प्राप्त हुई हमारे तहसीलदार सनावत, नायब तहसीलदार सनावत और अन्य पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँचा और उनके द्वारा एक जेसीबी को पकड़ा गया और यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे कुछ रेत का भी स्टॉक यहाँ पर किया गया है। हम जो माइनिंग का जो अमला है हमारा वो भी जिले से आ गया है और हम तस्दीक कर रहे हैं कि उत्खनन कहाँ पर हो रहा था, कितना उत्खनन हो रहा था, इसका पूरा एक प्रकरण बनाकर हम कलेक्टर महोदय को नियमानुसार कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे जिससे कि जो भी यहाँ पर यदि रेत चोरी हुई है या रेत का अवैध उत्खनन हुआ है उसके संबंध में संबंधित को दंड करा जा सके।